वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन सिंह चौहान। दोस्तों, आज हम लोग पटना साइंस कॉलेज में हैं और आज एक न्यू ब्लॉग के साथ हम आज साइंस कॉलेज पटना आए हुए हैं। दोस्तों, ये पटना साइंस कॉलेज का मेन गेट है और अब हम लोग अब पटना साइंस कॉलेज के अंदर चलते हैं। जब पटना साइंस कॉलेज के अंदर चलेगा तो राइट साइड में आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जो कुछ भी फंक्शन होता है तो इसी ग्राउंड में होता है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू भी इस ग्राउंड में आए हुए हैं और ये पटना साइंस कॉलेज का ग्राउंड है, जो ग्राउंड के चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे विद्यार्थी दरोगा का, पुलिस का, जीडी का दौड़ करते थे। इससे अच्छा ग्राउंड पटना में नहीं है, जो बहुत से बच्चे लोग यहाँ पे दौड़ते थे, लेकिन कुछ कारणवश ये अब नहीं अलाउ है बाहरी लोगों का कैंपस के अंदर पटना साइंस कॉलेज का। तो आज सरस्वती पूजा है फरवरी 2021 16 फरवरी को, तो अंदर जाने का अलाउ है। ये आप देख रहे हैं पटना साइंस कॉलेज का ये ग्राउंड है, चारों तरफ फूल पेड़ पौधे से हरा भरा ये कैंपस है। बहुत बड़ा कैंपस है पटना साइंस कॉलेज का और यहीं पे कुछ लोग बैठ के खेलते कूदते थे, सब कुछ करते थे। ये पटना साइंस कॉलेज का कैंपस है। पटना साइंस कॉलेज जो है पटना यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द एक्सक्लूसिव साइंस कॉलेज है। डेट मीन्स यहाँ पे सिर्फ साइंस की पढ़ाई होती है। दिस कॉलेज इज मोर देन 85 ईयर्स ओल्ड। इसका कैंपस बहुत बड़ा है। ये आप इसका सिर्फ ग्राउंड देख रहे हैं, अभी हम लोग अंदर कैंपस में चलेंगे। और यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के भी कई स्टूडेंट पास आउट हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिक्स बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा भी पटना साइंस कॉलेज से पास आउट है और हमारे डिप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी भी यहीं से पास आउट है और हमारे वर्तमान के सीएम नीतीश कुमार भी यहीं से पास आउट है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप देख रहे हैं पटना साइंस कॉलेज का, और ये सामने जिम है पटना साइंस कॉलेज का, सामने जिम, और ये अंदर बगीचा है पटना साइंस कॉलेज का। और ये सामने आप जिम देख रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जिम है। और ये ऊपर साइंस कॉलेज के ऊपर से फ्लाइट का व्यू। और आज हम लोग अब पटना साइंस कॉलेज के दूसरे साइड में चलते हैं।
हम लोग पटना साइंस कॉलेज के बायोलॉजी डिपार्टमेंट के तरफ चलते हैं। जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर देखते हैं, ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट या बायोलॉजी ब्लॉक, या बायोलॉजी के अंदर भी बॉटनी होता है, जियोलॉजी होता है, तो ये बॉटनी है। और ये सामने आंवला का पेड़ देख रहे हैं, और ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट का सामने का उसका ब्लॉक के बाहर जो कैसे पेड़ सजाया हुआ है ये देख रहे हैं, और ये बॉटनी का जो जाने का रास्ता है। इस सामने आप पटना एनआईटी देख रहे हैं। सरस्वती पूजा के दिन सब गेट को खोल दिया जाता है। पटना साइंस कॉलेज से आप डायरेक्ट आप पटना एनआईटी आ सकते हैं, और सरस्वती पूजा है तो पटना एसपी उपेंद्र शर्मा जी अपने पूरे बटालियन के साथ स्कॉट कर रहे हैं, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज के अंदर बहुत सा हॉस्टल है, इसमें लड़ाई झगड़ा या बाहर से कुछ बच्चे आते हैं देखने के लिए तो दंगा फसाद या कुछ ऐसा नहीं हो, इसके रोकने के लिए पटना एसपी श्री उपेंद्र शर्मा जी और उनके पूरे बटालियन टीम जो पूरा स्कॉट करते हैं पूरा पटना कैंपस का। और ये पटना एनआईटी के तरफ से जो रास्ता जो पटना साइंस कॉलेज में जाती है उसके तरफ से ये स्कॉट करके निकल रहे हैं, और ये गेट मेनली बंद रहता है क्योंकि सरस्वती पूजा है तो ये गेट खुला हुआ है। आम दिन में ये गेट नहीं खुलता है, जो आप साइंस कॉलेज से पटना एनआईटी चल जाए ये गेट बंद रहता है। और ये देखिए स्कॉट कर रहे हैं क्योंकि पटना साइंस कॉलेज के अंदर बहुत सा हॉस्टल है, कैवेंडिस है, न्यूटन है, बहुत सा है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा। ये न्यूटन हाउस देख रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज का एक हॉस्टल है, और ये लोग स्कॉट कर रहे हैं जो कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा। और ये एक प्रोफेसर है जो कुछ सरस्वती पूजा के दिन समझा रहे अपने स्टूडेंट को। और ये कैंपस आप देख लीजिए पटना साइंस कॉलेज का, बहुत बड़ा कैंपस है। और देख लीजिए अब ये रास्ता आगे कहाँ निकलता है, मैं भी जस्ट इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। और ये प्रोफेसर सर है साइंस डिपार्टमेंट के, बॉटनी के, और ये लोग स्कॉट कर रहे हैं। ये देख ले कितना अच्छा हरा भरा पूरा कैंपस है पटना साइंस कॉलेज का। और ये अब शायद कौन सा हॉस्टल में जाएंगे, ये देख लीजिए किसी प्रोफेसर का क्वार्टर होगा ये। और मेरे हिसाब से 100 पुलिस फोर्स है जो श्री उपेंद्र शर्मा जी के साथ साथ स्कॉट कर रही है। ये देखिए रैगिंग आप नहीं कर सकते, एंटी रैगिंग सेल के कौन कौन हेड है, डिपार्टमेंट है, उनका नंबर है, और कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है इसका सिंबल लगा हुआ है आप देख रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। और ये देख लीजिए नया बिल्डिंग अभी बना है साइंस कॉलेज का, ये कैंपस है। काफी भीड़ ज्यादा है, सरस्वती पूजा है तो काफी भीड़ ज्यादा है। और ये रास्ता जो है निकलता है गंगा घाट के तरफ दूसरे साइड में। ये देखिए ये रास्ता कहाँ निकला, दूसरे साइड में, इधर से ये रास्ता जो होता है काली घाट के तरफ से आता है। और ये देखिए दूसरा साइड से हम पटना साइंस कॉलेज घुस रहे हैं। भारतीय सेना वीर जवान है भारत का ये लोग, और ये दूसरा साइड से पटना साइंस कॉलेज अब हम घुस रहे हैं। ये रास्ता जो आप घर से काली घाट की तरफ से जब आइएगा तो ये रास्ता है। और देखिए साइंस फोर ये डिपार्टमेंट है, और ये हरा भरा पेड़ जब आप आइएगा तो बहुत अच्छा कैंपस है। और देखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ हम आ चुके हैं, पहले जो थे आप बॉटनी बायोलॉजी जूलॉजी डिपार्टमेंट के तरफ, और ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पहले बहुत से बच्चे लोग पढ़ते हैं। ये देखिए अब ये लेफ्ट साइड है, जैसे ही आप मेन गेट से घुसिएगा उसके लेफ्ट साइड का मैं आपको कैंपस का व्यू दिखा रहा हूँ। जैसे साइंस कॉलेज में आप एंट्री कीजिएगा उसके ये लेफ्ट साइड का, ये सामने नया बिल्डिंग बना है, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते थे
मैं भी कुछ दिन यहाँ सुबह में पढ़ने आता था। सेट आजकल रेलवे का एग्जाम चला है तो लोग सेट मारने आते थे सुबह शाम दोपहर। बच्चों का भीड़ लगा हुआ रहता था, ग्रुप बना के सब लोग पढ़ते थे। लेकिन कुछ लड़ाई झगड़ा होने के कारण बाहरी लोगों का अलाउ नहीं है साइंस कॉलेज में, तो इसलिए अब मतलब थोड़ा बंजर जैसा नज़ारा है। कोई चहल पहल उतना नहीं है, सरस्वती पूजा है तो इतना चहल पहल है, नहीं तो आम दिनों में इसमें उतना कोई आता उता भी नहीं है। जब अलाउ था तब बहुत भीड़ भाड़ रहती थी इस कैंपस में, और ये यहाँ ही पे मैं बैठ के पढ़ता था। मैं, सुभाष जी और मेरे रणधीर जी कुछ दोस्त यहाँ पे आके बैठते थे सुबह शाम, और गौतम जी जो पटना छोड़ के चल गए वो भी आते थे। अब ये देखिए दूसरे साइड से मैं जा रहा हूँ पटना, साइंस कॉलेज कैंपस हुआ ये। केमिस्ट्री बॉटनी डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हर रास्ता से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ जो। और ये लेफ्ट साइड से फिर देखते हैं ये रास्ता कहाँ निकलता है, देख लीजिए सामने ग्राउंड चल जाएगा। और ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम हुआ, और यहाँ पे देख लीजिए प्लास्टिक के लोगो, प्लास्टिक कैरी बैग को लाना, ये सब लोगो लगा हुआ है। और देख लीजिए यहाँ से जो मैंने दिखाया था, अब फिर अब हम लोग आगे ग्राउंड के तरफ, गार्डन वेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी पटना साइंस एलुमनी एसोसिएशन का ये ऑफिस हुआ। एलुमनी में जो बच्चे लोग पास कर जाते हैं उनको साइंस कॉलेज डिपार्टमेंट बुलाती है, कुछ कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है। और ये पटना साइंस कॉलेज का कैंटीन है, जैसे हर हॉस्टल बड़े बड़े हॉस्टल में कैंटीन होती है, वही आप हॉस्टल में क्या कैंटीन देख रहे हैं। फिर से मैं ग्राउंड के दूसरे तरफ आ गया हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब ग्राउंड है, यहाँ पे दरोगा का दौड़ होता था तो इतना भीड़ रहती, इतना अच्छा है। पेड़ पौधा लगा दिया गया है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले, 6-7 महीना पहले यहाँ पे आए थे पटना साइंस कॉलेज में, कुछ उनका फंक्शन था तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। सरस्वती पूजा है तो भीड़ ज़्यादा है, मुझे अलाउ भी है पटना साइंस कॉलेज। ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं इसी में विद्यार्थी लोग दौड़ते थे, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इसी में दौड़ने के लिए, क्योंकि इसका एक लाइन जो है 400 मीटर का है। और देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स का ये बिल्डिंग है, और ये दूसरा साइड नया बिल्डिंग अब बहुत बन चुका है। और सामने वाले जो बिल्डिंग है लखीसराय के कोई प्रोफेसर या कोई आदमी ऐसे बोला जाता है वही बनवाए हैं उन्हीं के नाम पर, और ये नए बिल्डिंग बहुत बन चुके हैं।